सो यो व्हाट्सअप गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीजिए एक्सपर्ट गेमिंग। एंड गाइस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में होगालाला की पावर चला सकते हो, लाइक उसकी स्पीड की पावर एंड उसकी रीजनरेशन की पावर, उसकी हेल्थ की पावर एंड जितनी भी मतलब उसमें पावर्स होती हैं सब अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ला सकते हो विदाउट मॉड्स। एंड यस गाइस, इसमें मैं कोई भी मॉड्स यूज नहीं करने वाला। तो यार आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ फर्स्ट पर्सन मोड में। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो अभी हूँ मैं स्मार्टीफाई के वर्ल्ड में। एंड अगर तुम लोग भी ये वर्ल्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाकर तुम लोग इजीली इस वर्ल्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले तुम लोगों को अपना चैट ओपन कर लेना है एंड वहाँ पर एक कमांड डालना है। एंड सबसे पहले गाइस हम लोग स्पीड का कमांड डालने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कमांड आएगा इफेक्ट @s। एंड गाइस तुम लोगों को स्पीड लिख देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा अभी ग्लिच हो गया था। देन यहाँ पर तुमको लिख देना है @s स्पीड। एंड गाइस तुम लोगों को यहाँ पर फिर 5 बार 9 लिखना है। एंड ये गाइस 9 5 बार हर कमांड में लिखना है। देन तुम लोगों को जितनी भी स्पीड चाहिए उस हिसाब से तुम लोग मतलब 1 से 50 के बीच में कोई भी नंबर डाल सकते हो। मतलब अगर तुमको होगालाला के बराबर नॉर्मल स्पीड चाहिए तो तुम लोग 17 15 20 इस टाइप से डाल सकते हो, या तुमको हाई स्पीड चाहिए तो तुम 50 भी डाल सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पर गाइस तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास बहुत तेज़ स्पीड आ चुकी है। मतलब यार बहुत ही तेज़ है। मतलब अगर ये नॉर्मल स्पीड है होगालाला के बराबर, अगर तुम लोगों को इससे भी तेज़ चाहिए तो तुम लोग वहाँ पर 17 की जगह 50 60 कुछ भी डाल सकते हो। एंड यहाँ पर गाइस तुम लोगों को दूसरा कमांड लिखना है। एंड यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ गाइस जंप बूस्ट का कमांड। मतलब इससे तुम लोग होगालाला की तरह बहुत ऊंची जंप मार सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर भी तुमको 5 बार 9 लिखना ही है। 9 5 बार लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है हर कमांड में। एंड यहाँ पर गाइस तुम लोग मतलब जंप नॉर्मल डाल सकते हो, मतलब इसमें भी तुम 150 के बीच में कोई सा भी एक नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर मैं नॉर्मल जंप के लिए 15 बहुत ज़्यादा सही रहता है, तो तुम लोग भी 15 ही डालना। या अगर तुम लोगों की मर्जी है तो तुम लोग इससे भी ज़्यादा डाल सकते हो। सो गाइस यहाँ पर तुम लोग देख ही पा रहे हो मतलब मैं कितना ऊँचा जंप भी कर पा रहा हूँ। एंड स्पीड भी मेरी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। बट गाइस अगर मैं ज़्यादा ऊँचा जंप कर रहा हूँ तो गाइस मेरे को इससे फॉल डैमेज मिल रहा है, तो मेरे को उसको भी ठीक करना होगा। तो उसके लिए भी गाइस एक कमांड आता है, वो कमांड होता है गाइस रीजनरेशन का। तो गाइस इसको डालने के लिए तुम लोगों को अगेन अपने लोगों का चैट ओपन कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पर तुमको डाल देना है कमांड। इसका कमांड होने वाला है इफेक्ट @s। एंड गाइस अब तुमको लिखना है रीजनरेशन। एंड गाइस फिर सेम टू सेम तुम लोगों को वही 9 9 लिखना है 5 बार। एंड देन इसके हिसाब से गाइस यहाँ पर तुम लोग 50 डाल सकते हो। मतलब इसमें 50 मैक्सिमम रखना, क्योंकि 50 मतलब एकदम परफेक्ट होता है, इससे तुम लोगों को ज़्यादा फॉल डैमेज नहीं मिलेगा। मतलब नॉर्मल तुम्हारे हर्ट्स कभी खत्म नहीं होने वाले। एंड गाइस देन तुम लोगों को अगेन चैट में एंड गाइस तुम लोगों को अभी लिख देना है इफेक्ट @s। एंड गाइस ये वाला कमांड जो होने वाला है स्ट्रेंथ का होने वाला है, मतलब इससे तुम किसी को भी एक हिट में ईजिली मार सकते हो। एंड देन तुम लोगों को अगेन 9 9 लिख देना है 5 बार। एंड देन अभी यहाँ पर मैं 30 लिख दे रहा हूँ, मतलब एक 30 नॉर्मल वो होता है, तो मतलब विदर को भी ईजिली तुम लोग मार दोगे इस कमांड से। मतलब जस्ट एक हिट में तुम लोग विदर को भी मार दोगे। तो यहाँ पर गाइस तुम लोग देख सकते हो सारे पावर्स के साथ मैं बिल्कुल ही रेडी हो चुका हूँ होगालाला की तरह। एंड अभी गाइस मैं किसी को भी मतलब एक हिट में मार सकता हूँ। एंड मैं ऊँची ऊँची जंप्स कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर स्पीड तो तुम लोग मेरी देख ही सकते हो। एंड अभी गाइस मैं तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पर एक स्केलेटन इसको मैं मार देता हूँ। तो यहाँ पर तुम लोग देख ही सकते हो मैंने उसको सिर्फ एक हिट में मार दिया। एंड गाइज अभी मैं तुम लोगों को विदर को भी मार के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइज मेरा विदर अभी मतलब समान हो रहा है। एंड गाइज जब तक ये विदर समान होता है तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो। तो यहाँ पर गाइज तुम लोग देख ही सकते हो मतलब पूरा हम लोगों को विदर समान हो चुका है। एंड अभी इसमें एक ब्लास्ट होने वाला है, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इस ब्लास्ट को भी मैं ईजिली सर्वाइव कर चुका हूँ। तो देन अभी हम लोग चलते हैं गाइज अंदर इसको मारने के लिए। एंड गाइज फर्स्ट टाइम तुम लोग इसमें खेलोगे तो तुमको थोड़ा सा कंट्रोल करने में अपने प्लेयर को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर गाइज तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने उसको जस्ट एक हिट में ही मार दिया है। एंड गाइज अगर तुम लोग किसी सर्वर में ऑपरेटर हो तो यही चीज़ तुम लोग सर्वर में भी ट्राई कर सकते हो, मतलब अगर तुम लोगों के पास कमांड डालने की परमिशन है तो। तो या गाइज होप सो तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।